नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्रांस पास टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मेफ्रांस पास टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेफ्रांस पास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेफ्रांस पास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेफ्रांस पास एक ब्रांड नेम है। मेफ्रांस पास टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। मेफ्रांस पास टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डाइसाइक्लोमिन 10 mg और मेफ्नामिक एसिड 250 mg होता है। मेफ्रांस पास टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट दर्द को ठीक करने के लिए मेफ्रांस पास टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पथरी का दर्द होने पर और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए मेफ्रांस पास टैबलेट का उपयोग किया जाता है। मेफ्रांस पास टैबलेट पेट के दर्द को ठीक करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मेफ्रांस पास टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मेफ्रांस पास टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, सीने में जलन होना, दस्त होना, नींद आने में परेशानी होना, कब्ज होना, बदहजमी होना और मुंह में सूखापन होना आदि साइड इफेक्ट्स मेफ्रांस पास टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्रांस पास टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। मेफ्रांस पास टैबलेट को खाना खाने के बाद या थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद ही लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मेफ्रांस पास टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। मेफ्रांस पास टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेफ्रांस पास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर मेफ्रांस पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। मेफ्रांस पास टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेफ्रांस पास टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को चक्कर आ सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मेफ्रांस पास टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। मेफ्रांस पास टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में मेफ्रांस पास टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेफ्रांस पास टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मेफ्रांस पास टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।